नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिस पर वेद और पुराणों की अनसुनी घटनाएं बताई जाती है। आज हम देवी भगवान पुराण की एक कथा के बारे में आपको बताएंगे। जब ये पृथ्वी बनी तब जगह जगह पानी ही पानी था। पानी के अलावा कोई और वस्तु दिखाई नहीं देती थी। तब दो असुर जिनका नाम मधु और कैटब था, वो भगवान विष्णु के कानों से प्रकट हुए थे। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उनकी नाभि कमल में ब्रह्मा जी स्थित थे। उन दोनों असुरों को बहुत भूख लगी थी। उन्हें जल के अलावा केवल ब्रह्मा जी दिखाई दिए, इसलिए वो दोनों ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने योग माया से प्रार्थना की कि वे विष्णु को जगाएं। भगवान विष्णु के जागने के बाद भगवान विष्णु और उन दोनों राक्षसों को लंबे समय तक युद्ध हुआ। तब किसी प्रकार से दोनों राक्षसों की मृत्यु नहीं हो पा रही थी। तब विष्णु भगवान ने उन पर अपनी माया का प्रयोग किया। माया से मोहित होकर उन देवतों ने वरदान मांगने के लिए कह दिया। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। तब उन दोनों ने कहा कि जिस स्थान पर पानी न हो उस स्थान पर हमारा वध करें। तब सभी स्थान पर पानी था, इसलिए भगवान विष्णु ने विराट स्वरूप धारण किया और अपनी जांघ पर उन दोनों दैत्य का वध किया। उन दोनों दैत्य के शरीर इतने विशाल थे कि पूरी पृथ्वी उन दोनों दैत्यों के रक्त और मांस से भर गई। तभी से पृथ्वी को मैदिनी नाम से जाने जाने लगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।